नमस्कार पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आइए आज की वीडियो में देखते है क्या है खास हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जय बजरंग बली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज मैं फिर आप सबके सामने हूँ एक और नई वीडियो के साथ अगर हमारे शास्त्रों की बात की जाए हमारे शास्त्रों में गाय को बहुत उच्च स्थान दिया गया है गाय को बहुत पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि गाय में तैतीस करोड़ देवी देवता वास करते हैं इसलिए गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होती है गाय के आसपास घर के आस अगर गाय होने का मतलब है की आप सभी तरह के संकटों ऐसी दूर रहकर सुख और समृद्धि को पूर्ण जीवन दे सकते हैं अगर गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से अगर गाय को आप रोज रोटी कराते हैं यानी कि खाना खिलाते हैं घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है गाय को खाना खिलाने से सभी परेशानियाँ सभी आर्थिक परेशानियाँ आपसे दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी आज की वीडियो में हम बता रहे हैं गाय को छोटी सी चीज खिलाने से कैसे आप हर प्रकार की धन सुख समृद्धि सौभाग्य के मालिक बन सकते हैं और अपने हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गाय के बारे में गाय के बारे में हम सभी जानते हैं तैतीस करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गाय को इसीलिए माता का दर्जा दिया जाता है और हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और गाय को अपनी माँ का दर्जा देते हैं और गाय को गौ माता कहकर पुकारते हैं हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो लोग अपने घर से सबसे पहले रोटी गाय को खिलाता है उसके घर में तैतीस करोड़ देवी देवता वास करते हैं गाय को रोटी खिलाने से सब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और घर के व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती है उसके साथ ही वह धन धान्य से भरा रहता है वह घर हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सुबह उठकर नहा धोकर हो तरोताजा होकर पूजा करने के बाद सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और फिर अन्य सदस्य को खाना खिलाना चाहिए यदि आप रोटी के साथ साथ गुड़ की डेली डाल कर गाय को खिलाते हैं तो वह बहुत शुभ होता है रोटी खिलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है जबकि वह इंसान जल्दी गरीब भी हो जाता है व्यक्ति के घर में और उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से राजा रंग हो चुका है वह भी अब रंग से राजा बन जाता है कुत्ते को खिलाने से आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलता है कुत्ते को यदि आप प्रतिदिन भोजन देते हैं तो आपको सभी दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और सारी लोगों तो की बीमारियां भी दूर हो जाती है पितृ पक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी आपको वैसी खिलानी चाहिए इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आज के उपाय के बारे में गाय को रोटी खिलाने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं गाय को भोजन कराने से अनिष्टता शत्रु का नाश होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता भी आपके ऊपर मेहरबान रहती है और अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो सभी प्रकार के रोग भी आपसे दूर चले जाते हैं पक्षी के बारे में बात की जाए तो पक्षी को अगर आप दाना खिलाते हैं तो इससे आपके व्यापार नौकरी आदि में आपको लाभ होता है घर में खुशियाँ बढ़ती है व्यक्तिगत खुशियों की द्वार खुल जाते हैं इसके अलावा चीटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से अगर आप आटा खिलाते हैं तो आपका कर्जा जल्दी उतर जाता है और धन संबंधी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है मछली को खिलाने से बढ़ती है आपके मान सम्मान दोस्तों यदि आप मछली को खाना खिलाते हैं या आटे की गोलियाँ खिलाते हैं तो आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है इसी के साथ चावल दाल बाजरा जो भी हो सके वह आपको पक्षी आदि को जरूर खिलाना चाहिए इससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानिया समस्याओं का अंत होता है माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है आप कभी भी दुश्मन आदि से कोई भी भय नहीं रहता है आपका जीवन बिल्कुल निश्चित होकर गुजार सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें